कॉलर इंदौर से कर्नल वर्मा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब जी। आदाब कर्नल साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जी जी फरमाइए, क्या हुक्म है? ये एक तो जो आप 40 किल और मुनक्का बताते हैं खाने के लिए बालों के लिए, तो 40 किल कौन सी? एक तो खाने वाली आती है, पूजा वाली आती है। काले तिल ना? हाँ, दो ही तिल आते हैं, एक तो सफेद जिसकी रेवड़ियां बनती हैं रेवड़ियां या गजक बनती है ना, एक तो वो होते हैं, एक काले भी होते हैं, तो पता नहीं वो पूजा में काम आते हैं कि नहीं, लेकिन काले तिल और सफ़ेद तिल दो ही होते हैं। काले से बेहतर, सफ़ेद से बेहतर काला होता है, और अगर नहीं मिले तो सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉलर है उत्तराखंड से धर्मानंद हमारे साथ, स्वागत है आपका। बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, नईटिहरी से। सांस की शिकायत है। कब से है दिक्कत? वैसे तो काफी दिनों से है, परंतु कुछ आजकल कुछ थोड़ी बहुत सांस हो जाता है, चलते समय सांस फूलता है। हाँ, एज क्या है आपकी? एज मेरी 70 जी। अच्छा, बैठे बैठे सांस नहीं फूलता आपका कभी? बैठे बैठे नहीं फूलता है, बस जब चलता हूँ कभी तो तब जा करके फूलता है। खांसी भी नहीं होती है, कभी कभी होती है, जब खांसी तो बलगम बहुत मुश्किल से आता है, वैसे खांसी होती नहीं है। और देखिए, ये मगर पेट बैठे बैठे सांस नहीं फूलता, चलते हैं फूलता, और खांसी की भी कोई शिकायत नहीं है, बलगम की भी कोई शिकायत नहीं है, तो ये हमारे लंग्स का यानी फेफड़े का मर्ज नहीं है, ये दिल का मर्ज है, दिल में प्रॉब्लम है, और हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, दिल का साइज बढ़ सकता है, ये इस वजह से होता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, दिल का भी मुआयना करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं लें, लहसुन खूब खाया करें, जितना भी लहसुन खा सकते हैं खाया करिए, और जैतून का सिरका ले लें और 3-3 चम्मच सुबह शाम पिया करें, पानी मिला के पिए, काफ़ी तेज़ होता है ये दिल के मर्ज के लिए, और ब्लड प्रेशर के लिए, चर्बी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बहुत सारे मर्जों में काम आता है। लगातार 5-6 महीने अगर आप पीते हैं जैतून का सिरका, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर महाराष्ट्र से भाव साहिब, स्वागत है आपका। मैडम, माझे ना कमरे मध्ये गॅप सांगितलेला आहे, L4 L5 मध्ये। आप अगर हिंदी में बात कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। अरे कमर में गैप बताने वाला है। ठीक है। हाँ, तो गाड़ी खराब होने वाली वो। आपकी उम्र कितनी है, आयु? मेरी उम्र 32 साल। जी। ठीक है। देखो भाव, आप अगर बहुत मेहनत करते हैं तो मेहनत करना बंद कर दें कुछ दिन के लिए, और घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, ऑपरेशन की तरफ मत जाना, बहुत परेशान हो जाएंगे। या तो आप गोंद, स्या आता है काला गोंद, वो आधा आधा ग्राम असली मिल जाए तो सुबह शाम खाएं, पानी या दूध के साथ लगातार 3-4 महीने खाएं, और वो असली मिलना ज़रूरी है, जायके में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, और या फिर कैप्सूल टी केयर लगातार खाएं सुबह शाम, और अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाना है, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है, जब तक इलाज चले तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर जालौन से हैं लोकेश जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, बताइए, सवाल करिए। सर मेरी उम्र 26 वर्ष है। ठीक है। मेरे घुटनों में दर्द होता है। कब से है दर्द? मैं मेरे घुटने में दर्द 2 साल हो गए। ठीक है जी। बहुत कम उम्र में आपके दर्द हो रहा है, और दवा भी आप ज़रूर लेते होंगे, अगर 2 साल हो गए तो फिर यूनानी लेना अच्छा है, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं, और वज़न वगैरह ना उठाएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर अशोक जी, स्वागत है आपका।
हाँ मैडम, ये कह रहे हैं हम 10-15 साल से परेशान हैं। किस चीज से? इसी से बार बार बुखार आ जाता, साल में एक बार आता है तो कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। एज क्या है आपकी? 33 साल जी। हाँ देखिए, अगर टीबी का टेस्ट नहीं कराया हो तो वो करा लें। मैं दुआ करूँगा कि ना हो, लेकिन वो ज़रूरी है। बार बार जिसको भी बुखार आए तो, या बहुत बार बार खांसी आए और किसी सूरत ठीक ना हो रही हो, तो टीबी का टेस्ट कराना चाहिए। और मैं नुस्खा भी बता देता हूँ बुखार आने के लिए, कि इम्यूनिटी कम हो गई है, इम्यूनिटी की दवा लें, यानी कुव्वत मुदाफियत हम लोग कहते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको बढ़ाने की दवा लें। और एक दवा मैं भी जानता हूँ, आपको बता देता हूँ, माजून आर केयर, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें और 5 बार गर्म पानी पिएं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन 5-6 महीने लगातार अगर आप लेते हैं तो फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर राजस्थान से सोहन लाल जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी आदाब। हाँ मेरे क्या अभी 2-3 दिन से नाक में पानी आ रहा है जी। हाँ और कोई दिक्कत? और तो ठीक है, आपका साथ ना देते हैं, टीवी हमें हमेशा देखता हूँ। अच्छा और तो यार, हाँ ठीक है जी। और देखिए ये जो सिवैयाँ होती है ना, सिवैयाँ आप समझ ही गए होंगे, सिवैयाँ सभी लोग खाते हैं दूध में उबाल के, इस सिवैयाँ दूध में मत उबालिए, पानी में उबालिए। एक मुट्ठी सिवैयाँ लेके, और वो जो मोटी वाली होती हैं, जो सबसे ख़राब वाली होती है ना, और लंबी लंबी सिवैयाँ जो आटे की बनती हैं, मैदे की बनती हैं, वो लेकर एक मुट्ठी लेकर पानी में उबालिए, और उसमें 1-2 चुटकी खाने का सोडा और मीठा भी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत का, उन्हें उबालिए और फिर इसका पानी छान के पी लीजिए दिन में 1-2 बार, तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, शीला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। अरे 3 साल का बच्चा है सर, 3.5 साल का बच्चा है, उसको कब्ज की बहुत शिकायत है। कब्ज की शिकायत? कब्ज की शिकायत है, कभी कभी लैट्रिन से उसको ब्लड दिया जाता है, पेट में कभी दर्द होता है, कभी आव गिरता है, और दूसरा के साथ है कि गला में उसको हमेशा ना ये हो जाता है, दर्द रहता है जीभ में, कान में भी दर्द रहता है। ठीक है ठीक है। 3.5 साल उम्र बताई ना? हाँ जी। अच्छा उस बच्चे को दूध जो पिलाते हैं आप, तो उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल मिला दिया करिए दिन में 1 या 2 बार, ये उसके साथ करिए आप, कि जो दूध पीता है उसमें बादाम का मीठा तेल आता है, मालिश वाला नहीं बल्कि मीठा तेल आता है बादाम का, वो मिला दिया करिए, उसे दिन में 2 बार पिलाएं, आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे अच्छा होने लगा और उसके कान और गले की तकलीफ भी ठीक होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका, नाम बताइए। सुशीला पवार। सुशीला जी कहाँ से बात कर रही हैं? ये खंडवा मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका सवाल? मेरा सवाल है कि मुझे है ना, मैं 52 साल की हूँ, मेरे को है ना खुजली बहुत होती है शरीर में, पूरे शरीर में खुजली होती है। हाँ। और मेरे को डॉक्टर ने बोला था चाय पीना, चाय छोड़ दो, फिर मैंने छोड़ दी थी, फिर और चाय छोड़ दी तो मेरे को फिर चक्कर आने लग गए थे, तो फिर और चाय चालू करी तो फिर और खुजली होने लग गई मेरे को जी। ठीक है, दिन में जब आप चाय पिए तो 1 चाय मेरी तरफ से पिए, और उस चाय में जैसे भी आप चाय बनाती हैं वैसे ही बनाइए, और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा हो आ जाए उस चाय में मिला के दिन में 1 बार पी लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर कौशल्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं कौशल्या जी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। देखो मैडम, एक तो मेरे ने बवासीर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है जी, और दूसरे मेरे घुटनों में दर्द है बहुत ज्यादा,
जी बवासीर कौन सी, खूनी है या बाडी है सर? ठीक है। अच्छा देखिए कौशल्या जी, आप लिख लीजिए, दो नुस्खे बता रहा हूँ, ठीक है। मेथी दाना, आंवला सूखा हुआ और सौंफ, दो 200 ग्राम लीजिए। मेथी दाना, आंवला सूखा हुआ और सौंफ, दो 200 ग्राम खरीदें और इसमें 100 ग्राम नमक जैतून मिलता है, एक जैतून का रसायन को कहते हैं नमक जैतून, 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम लें, नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले। ये आपका बवासीर का और पेट का इलाज है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, ठीक है। एसिडिटी का भी ये इलाज है, गैस का, कब्ज़ का, इन्फेक्शन का, पेशाब के इन्फेक्शन का, लीवर का, ये इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, आप इसे करें। और जो दर्द है उसके लिए अलग से एक नुस्खा है, गोंद स्याह यानी काला गोंद आता है, एक कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, असली ले लीजिए 100 ग्राम, बस आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम, अगर आप खाएंगे तो ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। स्कॉलर राजस्थान से ललित जी, स्वागत है आपका। जी मैम बताइए आपका सवाल क्या है। मैम मेरे को खांसी है बहुत सालों से। बहुत सालों से, आपकी एज क्या है? जी मैम मेरी एज है मैम 21। जी देखिए अगर बहुत सालों से है तो आपने ज़रूर टीबी का टेस्ट कराया होगा और नहीं कराया है तो करा लें, ठीक है। और देखिए आर्जी तौर पर तो नुस्खा आप ये ले सकते हैं कि किचन में पीपलें होती हैं, मम्मी से पूछिए अपनी, पीपलें तो आधी पीपल ऐसे दांत से तोड़ के उसे चूसते रहें, चबा के खा लें और गर्म पानी पिएं। ऐसे ही रात को भी 2 बार ऐसा करें और 5 बार गर्म पानी पिएं तो आपको अगर ये मामूली हुई खांसी तो ठीक हो जाएगी। और अगर बहुत परेशानी वाली खांसी है और किसी सूरत ख़त्म नहीं होती तो माजून आर केयर सुबह शाम गर्म पानी से लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर उड़ीसा से मालती जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार बोलिए। जी मेरे को डॉक्टर साहब से बात करना है। जी आदाबाद बताइए, क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब मेरे को सर में बहुत दर्द रहता है कभी कभी, या कभी कभी बुझाता है कि नस तान रहा है एकदम, और बराबर सर्दी हो जा रहा है। बराबर सर्दी भी होता जी, है जी। हाँ छींक जाता है और सर्दी हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए एक तो एक्सरसाइज और एक दवा बताता हूँ, वो आपको 4-5 महीने करनी है, फ़ायदा तो जल्दी हो जाएगा लेकिन 4-5 महीने लगातार करनी है अगर आप इस रोग से मुक्ति चाहते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज, ये आपको रोज़ाना 3 मिनट करना है, एक साथ तो कोई नहीं कर सकता तो एक एक मिनट करके 3 मिनट करें और 3 मिनट ये ऐसे 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 3 मिनट ये रोज़ाना 6 मिनट ये एक्सरसाइज करिए और माजून आर केयर सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें और दिन में 5 बार गर्म पानी पीना अच्छा है आपके लिए। ये अगर आप जल्दी भी ठीक हो जाएं 1-2 महीने में तब भी 5 महीने ये माजून खानी है, माजून आर केयर, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।